शुरू करने जा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करने से पहले हम छोटी छोटी टर्म्स और जो मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट है उस पर नज़र डालना चाहेंगे। मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद मोशन एंड फोर्सेस प्रोड्यूसिंग मोशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ अथवा मैटर के कणीय पिंडों के गतिकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। अब मैकेनिक्स को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स यानी चिरसम्मत यांत्रिकी और एक क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी। चिरसम्मत यांत्रिकी को पढ़ने से पहले हम जरा नज़र डालें जिन पर ये आधारित है। कणों की गति के संबंध में दिए गए न्यूटन के सिद्धांत तथा विकिरण ऊर्जा के संबंध में दिए गए मैक्सवेल के सिद्धांत चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत माने जाते हैं। केमिस्ट्री में हम मैटर के गुणों तथा उनमें जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम सन 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी मैटर अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से बनते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, तथा एक ही तत्व के सभी परमाणु एक से होते हैं किंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से उनमें भिन्नता रहती है। 1897 में सर जे जे टॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक तत्व के परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। ईयर 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के आधार पर एक और मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक परमाणु में एक भारी धनावेशित भाग होता है जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। नाभिक में मुख्य रूप से दो प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कहते हैं, और इन्हें सम्मिलित रूप से जॉइंटली इन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत में न्यूटन ने द्रव्य पिंडों की गति के संबंध में कुछ नियम दिए। हम जानते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिमय ही बनी रहती है जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। द्रव्य पिंडों के इस प्रकार के गुणों की मात्रात्मक व्याख्या न्यूटन के गति संबंधी नियमों के आधार पर की जा सकती है। क्वांटम यांत्रिकी के उद्गम से पहले ऐसा माना जाता था कि मैटर के जो बिल्कुल छोटे से छोटे कण अर्थात परमाणु हैं उन पर भी न्यूटन के नियम लागू किए जा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल तौर पर जब इसे देखा गया तो ये पाया गया कि यह सिद्धांत माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं अति सूक्ष्म कण हैं उन पर अगर हम लागू करें तो ये सिद्धांत वहाँ पर असफल हो जाते हैं। अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी या न्यूटन के नियम परमाणु से भारी कण व जिनकी गति प्रकाश के वेग से कम होती है उसके लिए सही सही लागू किए जा सकते। तो इस प्रकार क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने में, माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझाने में विफल रही। ऐसे में क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स है विच इज़ डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक properties based upon Heisenberg uncertainty principle and de Broglie concept of dual nature of matter, अर्थात Heisenberg व न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक यांत्रिकी जिसमें इलेक्ट्रॉनों के गुण
वह प्रकृति की जानकारी मिल सकी और उससे स्पेक्ट्रम आदि समस्त गुणों की भी व्याख्या हो सकी, उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर के क्या कारण रहे। जैसा मैंने अभी बताया, चिरसम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स वृहद आकार के कणों यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के व्यवहार और गति के गुणों को तो समझाने में सफल है, किंतु माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, अणु, इनके संबंध में वे विफल रहे। चिरसम्मत यांत्रिकी नीचे दिए गए कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी समझाने में असफल रही, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, कृष्णिका विकिरण। दूसरा इफेक्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। थर्ड प्रॉपर्टीज़ हीट कैपेसिटीज़ ऑफ सॉलिड, ठोसों की ऊष्माधारिता। और फोर्थ प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा यानी परमाणवीय व आणविक स्पेक्ट्रा। इन सब को समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स का फेलियर रहा, ऐसे में क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ। उसे समझने से पहले हम ये देखें कि चिरसम्मत यांत्रिकी के जो निष्कर्ष हैं वह दैनिक जीवन के सामान्य अनुभवों में तो सही है, लेकिन सूक्ष्मतम कणों पर ये सही सिद्ध नहीं होते। जेसी मैक्सवेल ने ऊर्जा विकिरणों संबंधी नियम दिया, जिसके अनुसार यदि किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाए तो वह कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है और इस पूरे प्रोसेस में कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। यानी नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस की ओर लगातार त्वरित होता रहता है और इस प्रक्रम में उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण लगातार उत्सर्जित होते रहेंगे। वेग भी धीरे धीरे कम होगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन स्थिर वृत्ताकार मार्ग में ना घूमकर स्पाइरल मार्ग में गति करता हुआ नाभिक के निकट आता जाएगा और अंततः न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तथा रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे में क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन बहुत यूजफुल रहा और इन प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को समझाने में सफल रहा। चिरसम्मत यांत्रिकी के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के गुणों को समझाने में असफल हो जाने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की खोज हुई। 1925 में हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक मैकेनिक्स और 1926 में श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स के सिद्धांत के आधार पर इसकी नींव रखी गई। इसे पार्टिकल मैकेनिक्स भी कहा गया क्योंकि यह सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, अणु और परमाणुओं पर बल के द्वारा उत्पन्न प्रभावों को समझाने में सफल रहा। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसीलिए कहा जाता है द हार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज एन इक्वेशन कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसे हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।